कटनी सहित प्रदेश भर में इन दिनों समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किसानों के रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता और पोर्टल में तकनीकी समस्या के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह रजिस्ट्रेशन पूरे जिले सहित प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि यहाँ खसरे पर प्रवीण पांडे लिखा हुआ है और एक खसरे प्रवीण, जिसके बाद पोर्टल पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का फैसला लिया जाता है, जबकि दोनों खसरों के एक मालिक एक ही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। तो मेरे खसरे में एक खसरे में लिखा है प्रवीण पांडे, एक में प्रवीण लिखा है, तो यहाँ पंजीयन करवाने आए हैं, तो इसमें सिर्फ प्रवीण का ले रहा है नहीं, या तो फिर प्रवीण पांडे का, दोनों खसरे नहीं जुड़ रहे। ऐसे एक हमारी दादी हैं, उनका नाम गीता है और नाम सबका है उसमें, मगर सिर्फ नाम इसमें गीता आ रहा है, खसरा निकलवाओ तो पूरा परिवार का नाम आ रहा है। बोला जा रहा है ऊपर से सॉफ्टवेयर में चेंजिंग हुई है, इस कारण से सिर्फ एक ही नाम से उठाया जा रहा है। कई लोगों के साथ, बाहर लोगों के साथ कुछ नहीं किया जा रहा, सब कोई, मैं तो 181 में भी लगा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।